सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर आप लोगों का जो है स्वागत करते हैं भाई एक नए वीडियो में। और आज की जो वीडियो अपन लेके आने वाले हैं भाई, लॉन्ग राइड पे निकले हैं तो इस वीडियो की काफ़ी डिमांड थी। अभी पीछे रेडर खड़ी है, आज रेडर लेके आए अपन। तो इस वीडियो की जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि यार सेकेंड सर्विस करा ली है, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर चला लिया सेकेंड सर्विस कराने के बाद। तो रेडर 125 का एक माइलेज टेस्ट करना था। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार भैया रेडर 125 का सेकेंड सर्विस के बाद माइलेज टेस्ट कर दो, तो मैं देखना चाहता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता सेकेंड सर्विस के बाद कोई ज़्यादा डिफरेंस आता होगा। तो अर्जुन भाई है अपने साथ, अपने राइडिंग पार्टनर, तो पूछ लेते हैं इनसे क्या लगता है सेकेंड सर्विस के बाद कोई डिफरेंस आता होगा क्या? इतना कोई नहीं आता, फर्स्ट सर्विस के बाद आता है ना, फर्स्ट सर्विस के बाद। फिर भी लोगों की डिमांड आ रही थी यार सेकंड सर्विस करा ली, माइलेज टेस्ट कर दो कर दो कर दो। तो आज जा रहे हैं हाईवे पे, तो लॉन्ग राइड पे, मतलब लॉन्ग तो क्या, ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर की राइड होगी, टोंक तक जाएंगे। हाँ नहीं, बट अपन यहाँ से ऑलमोस्ट 60, जो माइलेज टेस्ट होगा वो 60-70 किलोमीटर के आसपास में वापस जो है टैंक फुल करा लूंगा। तो पीछे अभी अपन आ गए पेट्रोल पंप पे, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे मिलता है 100% शुद्ध पेट्रोल और टैंक फुल कराते हैं। टैंक फुल टू टैंक फुल ही माइलेज टेस्ट जो है मैं करता हूँ मोस्टली, आजकल जो एक्यूरेट निकल के आता है। क्यों? टैंक फुल में बिल्कुल एक्यूरेट आता है, जो अपन 1 लीटर 2 लीटर वाला करते हैं ना उसमें इतनी एक्यूरेसी बैठती नहीं है। तो उसी का जो है रीजन रहा कि अपन टैंक फुल वाले माइलेज टेस्ट कराने वाले हैं। तो पीछे खड़ी है भाई रेडर, दिखाई रोड बोर्ड, और अर्जुन के पास स्क्रैम है, स्क्रैम के भी वीडियोज बनाएंगे, वो भी आप लोगों को ऑलरेडी मैं तो कुछ वीडियोज बना चुका हूँ और अर्जुन भी बनाएगा, बाकी मैं भी, और एक दो वीडियो ऑफ रोडिंग वगैरह करेंगे आज इसके। तो ऑफ रोडिंग मैंने भी नहीं करी थी, तो आज सोचा ऑफ रोडिंग भी कर लेंगे, तो वो सारे वीडियोस रेडर में भी करेंगे, तो वो सारे वीडियोस आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को करना है ऑल, ताकि इसी तरह का जो है बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट आप लोगों को मिलता रहे। तो चलते हैं अभी गोब्रो पे, टैंक कराते हैं फुल, और स्पीड रहेगी भाई यहाँ पे 80 से 90 के बीच में, क्योंकि हाई स्पीड पे चलेंगे, खाली हाईवे है, सुबह सुबह का टाइम है और राइडर जो है जा रहे हैं। तो चलते हैं अभी और गोप्रो पे मिलते हैं आपसे और माइलेज टेस्ट करते हैं रेडर 125। टैंक फुल कर दो। धीरे 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 धीरे, बस बस बहुत है बहुत है, बस बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है भाई साहब बहुत है। ओके सो भाई टैंक हो गया है अपना फुल, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और अभी एक बार यहाँ पे अपन ट्रिप बी को है जीरो कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो भाई ये हो गई है अपनी ट्रिप बी जो है जीरो, और ओडोमीटर भी दिखा देता हूँ 3152। तो अब जो है ऑलमोस्ट 60 या 70 किलोमीटर के बाद अपन वापस टैंक फुल कराएंगे। टैंक फुल कराया आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलते हैं अभी, ज़्यादा हाईवे तो नहीं दिखाना है क्योंकि स्पीड जो है अपन को सही मेंटेन करनी है। ऑलमोस्ट स्पीड जो अपनी रहने वाली है वो 80 के आसपास रहेगी, 80 से 90 के बीच में। तो हाई स्पीड पे ही आने वाला है ये माइलेज टेस्ट, बाकी पावर मोड पे है, तो जो भी रिजल्ट होगा वो चले। तो जो भी रिजल्ट होगा वो आप लोगों को पता लग जाएगा। और बस अभी ज़्यादा कुछ हाईवे पे दिखाना नहीं है, स्पीड जो है ऑलमोस्ट 80 या 85 के बीच में रहेगी, और गोप्रो भी जो है अपना डिस पड़ा है। तो भाई ऑलमोस्ट अपनी बाइक चल गई है 68 किलोमीटर, देख लो आप 67.9, और ये रहा बगल में पेट्रोल पंप। तो माइलेज टेस्ट करने की बारी आ ही गई है भाई, अब पेट्रोल डलवा लेते हैं और माइलेज टेस्ट कर लेते हैं। नॉर्मल है ना? कम ही आएगा, धीरे डालो, ऊपर करके डालो। हाँ
धीरे 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 डालो डालो, बस 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 बस। हाँ 1.50 175। हाँ भाई माइलेज निकालो। 1.50 लीटर, 68 किलोमीटर, 68, 1.50, 45 का कम ही है यार, कम ही दिया। हाई स्पीड पे 90 थी यार कंटिन्यूअसली स्पीड। हाँ तो उतना दिया था मेरे को जब राइड की थी ना उसको। हाँ उतना दिया था 44। हाँ और ज़्यादा चाहिए प्लेटिना लेनी पड़ेगी। हाँ सीटी 100 ठीक है, 45 भी ठीक है, 45 भी ठीक है, ठीक है मतलब ठीक है यार लॉन्ग राइड के हिसाब से। हाँ लॉन्ग राइड के हिसाब से। तो भाई देख लो भाई, ये था दिखा दो एक बार कैलकुलेटर में। 45.33333 ऑलमोस्ट 46। और स्पीड भाई पूरी अपनी 90 रही है, 85-90, क्योंकि पूरा हाईवे था, 68 किलोमीटर का पूरा हाईवे चला अपन ने, और कहीं पे भी ब्रेक वगैरह भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो स्पीड 90, बल्कि 90 अबाव भी गई थी कभी कभार, तो मैं जो है एवरेज स्पीड 90 मान के चल रहा हूँ। तो 90 की स्पीड पे अपना जो है माइलेज आया ऑलमोस्ट 46 के आसपास निकल के, जो कि ठीक है यार इस बाइक पे, मतलब हाई स्पीड पे 46 का, क्योंकि हाई स्पीड पे तो इतना ही माइलेज जो है निकलता है। तो बस यही था अपना माइलेज टेस्ट का वीडियो। अपन पहुंच गए भाई अपनी डेस्टिनेशन बनास रिवर पे, और यहाँ पे इस वीडियो करते हैं एंड, आगे ऑफ रोडिंग वगैरह के और जो है वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।